माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है वो 10 मुहर्रम है और मैंने नियाज देनी है, भुजियाँ रोटियाँ भी आज बननी है और जो है ना मुहर्रम का ख़त्म भी दिलाना है। तो उसके लिए मैं बनाऊँगी चने वाला पुलाव। तो बस चने मैंने रात को भी भिगो के रख दिए थे, अभी दूध भी मैंने ज़्यादा ले लिया, कुछ और दूध इसके अंदर ऐड करते हैं जिसकी हम खीर बनाएँगे और उसका फिर जो है वो भुजियाँ रोटियों में जो डालने का स्टफ है वो सारा तैयार करते हैं। तो भुजियाँ रोटियाँ यहाँ पे मैंने कल ले आई थी, जब मैं गई थी ना अपनी सिस्टर की तरफ उन्हीं से मैंने ले ली थी। अब उनको भिगो के पानी में रख देते हैं ताकि जो है ना वो डिप करें। व्यूअर्स, तो सबसे पहले मैं किचन के बर्तन जो है वो धोकर समेटूंगी। मेरी मेड अभी तक नहीं आई थी, फिर मैंने जो 10 बजे तक जो है ना इंतज़ार किया, लेकिन अब जो है ना मुझे नियाज भी तैयार करनी थी, टाइम ज़्यादा नहीं था। तो मैंने कहा सबसे पहले किचन को समेट लेती हैं, अगर बर्तन जो है ना पड़े हों तो फिर काम करना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर बस मैंने जो है ना स्पीड पकड़ी, फटाफट सारे बर्तन धो के किचन को मैंने जो है ना नीट किया और उसके बाद फिर मैं शुरू हो गई काम की, क्योंकि आज थोड़ा सा दिन लंबा था, काम ज़्यादा थे क्योंकि नियाज बनानी भी थी, फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करनी थी। तो बस नियाज ही आज मैंने खैर बनाई थी, घर पर खाना वो और कुछ नहीं बनाया था, बस वही जो है ना हमने घर पर खा ली थी और मोहल्ले से भी जो है ना कुछ घरों से नियाज आ गई थी। तो ये जो है ना मुहर्रम के दिनों में ऐसे ही होता है, बस नियाज जो बनती फिर वही खाई जाती है। तो यहाँ पे बर्तन धो के उसके बाद अंडे जो मैंने भिगो के रखे हुए हैं ना देसी अंडे, तो वो गंद बड़ा ऊपर लगा हुआ था, इनको थोड़ी देर भिगो के रखे ना तो फिर उतारना, इनका साफ़ करना आसान हो जाता है। दूध मैंने जो है ना आज थोड़ा ज़्यादा ले लिया था, लेकिन मुझे जो है ना हमारा जो मिल्क मैन आता है उसने दूध हमें ज़्यादा नहीं बहुत दिया, बस 2 किलो ही एक्स्ट्रा दिया था। 3 किलो हमारा घर का होता है, फिर 5 किलो जो था फ्रेश मिल्क वो तो मैंने पतीले में डाल दिया, उसके साथ फिर मैंने जो है ना मिल्क पैक के डिब्बे जो है ना 2-3 मंगवा लिए थे, उनको डाल के मैंने जो है क्वान्टिटी तकरीबन कोई जो है ना 7 किलो पूरी कर ली थी। 2 मिल्क पैक के डिब्बे डाल दिए थे, 5 किलो मैंने फ्रेश मिल्क ऐड किया था। तो बस जो है ना इस तरह से फिर मेरी क्वांटिटी पूरी हो गई थी, इसमें तकरीबन मैंने 1 प्याली के करीब चावल जो है ना भिगो के रख दिए थे। तो चावल मैंने ज़्यादा नहीं डाले क्योंकि चावल कम होना तो फिर खीर ज़्यादा मज़े की बनती है, नहीं तो चावल बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर वो खीर जो है ना उस तरह से गाढ़ी नहीं बन पाती है। तो यहाँ पर एक दफ़ा तो मेरा दूध को जो है ना वो मैं हालांकि पास ही खड़ी थी उबाल आया और वो जो है ना थोड़ा चूल्हे पर गिर ही गया, और बस सम टाइम आप पास भी खड़े होना तो दूध जो है ना एकदम से ऊपर चढ़ता है, कोई पता नहीं चलता चूल्हे में जो है ना गिरने पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चने जो भिगोए हुए थे उनको अच्छी तरह से भी 3-4 पानी मैंने वॉश कर लिया है ताकि सारी स्मेल वगैरह निकल जाए, गंदा पानी निकल जाए। और अब इनको जो है ना मैं प्रेशर कुकर में लगाऊँगी तकरीबन कोई जब 12 से 14 मिनट के लिए। तो इनके साथ जो है ना पानी मैं खुला इसके अंदर ऐड कर दूंगी और साथ 1 चम्मच नमक डाल दूंगी ताकि बॉयल अच्छी तरह से जो है ना हमारे चने हो जाएं। फिर ये बॉयल हो जाएंगे तो फिर जो है ना चावल पकाने जो है ना बहुत आसान हो जाते हैं, मेजर काम जो होता है ना टाइम कंज्यूमिंग वाला वो हमारा हो जाता है। फिर चावल जो है ना मैं टाइम टू टाइम पकाऊँगी जब मेरी खीर जो है ना वो आधे से ज़्यादा पक चुकी होगी। यहाँ पे कुजियाँ छोटियाँ जो मैं लेकर आई थी ना मैंने इनको भिगो दिया सिंक के अंदर, क्योंकि ये मिट्टी की बनी होती है तो इनको भिगोना जो है ना वो ज़रूरी होता है। जब मिट्टी जब ये पानी में भीगती है ना तो ये फिर पकी हो जाती हैं और इनको साफ़ भी करना होता है क्योंकि इनके अंदर डस्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इनको मैंने तकरीबन 2 घंटे जो है ना इसी तरह से भीगा रहने दिया था, सिंक में पानी मैंने बंद कर दिया था ताकि इसके अंदर इकट्ठा रहे, और फिर जो है ना इनको साबुन लगा के अच्छी तरह से धो के मैंने निकाला था। और साथ खीर का जो है दूध वो भी बस उबाला, उसको आना शुरू हो गया। बीच में इलायचियाँ मैंने खोल के 2-3 डाल दी हैं और ये 2 डब्बे मैं मिल्क पैक के इसके अंदर ऐड करूँगी और टोटल 7 किलो हमारी क्वांटिटी हो जाएगी। ये तो तकरीबन कोई 12 बजे का टाइम हो गया था नाश्ता किए, अभी हमें जो है ना वो 2-3 घंटे हो गए थे। तो फिर यहाँ पर मैंने फ्रूट सैलड थोड़ी सी काट ली है, तो ये जो है ना अपने अपने हस्बैंड के लिए, तो फिर हम ये खा लेंगे क्योंकि खाने में तो अभी थोड़ा टाइम था, तो मैंने कहा चले थोड़ा गुजारा हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना इसको बड़े बड़े पीसेस में मैं बस काट लेती होती हूँ, इसमें जो है ना वो आइसबर्ग के जो लीव्स हैं वो भी काट के ऐड कर लूँगी तो बड़ी मज़ेदार सी सैलड बन जाती है। ऑप्शन होता है इसमें लेमन वगैरह या कोई खट्टी वगैरह भी आप ऊपर जो है ना निचोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर चूँकि मैंगो भी ऐड कर लिया था फिर मैंने लेमन नहीं डाला था। तो ऐसे ही हम जो है ना इसको हल्का सा नमक डाल के भी खा सकते हैं, कोई आप ऑलिव ऑयल स्प्रिंकल करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अपनी मर्जी होती है। लेकिन फ्रूट्स को इस तरह से काट के बड़ी अच्छी सैलड बन जाती है।
जी, तो माशाल्लाह बड़े अच्छे मेरे चने जो है ना गल गए थे, तो जिस तरह की मुझे रिक्वायरमेंट थी बिल्कुल एक्यूरेट वैसे ही गले थे। तो मैंने जो है ना चावल पे भी बोल दिए दो जगहों पर दो परातों के अंदर, क्योंकि चावल की क्वांटिटी ज़्यादा थी। देगचा भी तैयार है, यहाँ पे मैंने ये जो है ना धो के रखी है भुजिया टूटियाँ, और हमारी खीर जो है ना वो तैयार हो रही है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए माशाल्लाह, तो इसको अभी लगेगा टाइम, चने बॉयल हो चुके हैं तो अभी चावल भीगे रहने देते हैं आधा पौना घंटा, तो खीर भी होती है ज़रा, खीर को लगना है ज़्यादा टाइम, और दोनों चीज़ें हमने साथ में डिस्ट्रीब्यूट करनी है नियाज की, तो खीर को पहले थोड़ा सा हाफ डन होने नहीं देते हैं, तो फिर हम चावल जो है ना शुरू करेंगे पकाना। तो उतनी देर में जो है ना थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, खीर आराम से पकती रहती है, बीच बीच में इसको हिलाएंगे, और दिस इज़ दी ब्रेक टाइम, मिलते हैं आपसे आधे घंटे बाद। जी, तो अब यहाँ पे हमने चावलों की जो है ना कुकिंग स्टार्ट कर दी है, और यहाँ पे अब्दुल हादी जो है ना मेरे साथ बना रहा है शरबत नियाज का, तो ये हम जो है ना रूह अफ़ज़ा वाला शरबत तैयार कर रहे हैं। तो हादी की बड़ी विश थी कि मामा आज मैं खुद बनाऊँगा अपने हाथों से शरबत, तो फिर मैंने उसे चीज़ें सारी निकाल के दे दी, मैंने कहा जैसे जैसे बेटा बताती हूँ ऐसे ऐसे आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, तो मुझे तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाने दे रहा था, कहता था कि मैंने बस खुद ही बनाना है, आपने मेरी बस हेल्प नहीं करनी। तो थोड़े बहुत हेल्प मेरी जो है ना किचन में इस तरह से करता रहता है, मेरा बेटा बहुत अच्छा बच्चा है तो मेरी सारी बातें भी मानता है, और जो है ना किचन में अक्सर आके मेरी जो है ना साथ मदद करता है। तो चावल हमारे तकरीबन हो चले हैं तैयार, अब इनको बस दम लगाना है। उससे पहले मैं थोड़ा सा ज़रदा रंग ऊपर डाल दूँगी, इससे बड़ा अच्छा कलर जो है ना निकल आता है चावलों का। तो तकरीबन 10 मिनट ये दम पर लगे रहेंगे, और अब जो है हम मुझे भुजियाँ टूटियाँ उनको भरने की बारी है, तो भर के रख देंगे ताकि साथ ठंडी भी हो जाएँ। सर्विंग इसकी जो है इसी तरह से होती है, इनको डाल के थोड़ी देर रख दिया जाता है, तो खीर जब ठंडी हो जाती है तो फिर जो है ना हम इनको बांटना शुरू करेंगे। जी, तो यहाँ पे जो है मैं सारी खीर ठूठियों में डाल के रख रही हूँ, और अब्दुल हादी जो है ना ऊपर बादाम और पिस्ता इसको मैंने काट कर दिए हुए प्लेट में, तो ऊपर जो है ना स्प्रिंकल कर रहा है। तो चावल भी हमारे तकरीबन थोड़ी देर में जो है ना दम में उनका खोल दूँगी, फिर जो है ना इनकी डिस्ट्रीब्यूशन साथ होगी, साथ में खीर की ठूठियाँ होंगी और साथ में जो है वो चावलों की प्लेट्स होंगी। ये ठूठियाँ जो है ना वो बेसिकली मैं मन्नत मानी हुई थी अब्दुल हादी के होने पर, तो मैं उसकी भरती हूँ। तो ये हर साल जो मुहर्रम का महीना आता है ना, तो ये मैं लाजमी जो है ना मैंने भरनी होती हैं। तो ये जो हादी होने वाला था ना, तो मैंने अल्लाह मियाँ से मन्नत मांगी थी मुहर्रम में ही जो है ना इसे उठाई थी, तो ये मन्नत की होती है, कोई भी इसको उठा सकता है, मन्नत मान सकता है, अल्लाह मियाँ उसकी मुराद पूरी करता है। तो ये अपने अपने जो है अकीदे की बात है, तो हमारा तो अकीदा है, हम जो है ना हमारे प्यारे जो हैं दुनिया से चले गए हैं हसन हुसैन, उनकी याद में जो है वो ये नियाज भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो एक जो है ना अपनी सेटिस्फेक्शन होती है। तो कई लोग इसको नहीं भी मानते, हम उसके ऊपर बहस नहीं कर सकते, लेकिन मैंने खैर मन्नत मानी हुई थी, मैं उसको जो है ना हर साल पूरा करती हूँ, और बड़ा मज़ा आता है हमें जो है ना, बड़े हम दिल से बड़े शौक से जो है ना इसको हम पूरा करते हैं। और ये प्लेटें भी फिर मैंने कुछ साथ रख ली हैं, कुछ प्लेटों में डाल के भी साथ में दे दूँगी। और ये जो ठूठियों में तो मैंने खीर डाल दी, जो कुजियाँ हैं जो मैंने शरबत तैयार किया ना उनमें कुजियों में कुछ डाल दूँ कि कुछ वैसे शरबत हम बांट दें, कुछ साथ मैंने डिस्पोजेबल डब्बे रखे थे, तो चावल जो हैं वो जो दूर जाएंगे ना वो डिस्पोजेबल डब्बों में चले जाएंगे, तो आस पड़ोस में हम प्लेटों के अंदर डाल के फिर बांटेंगे। जी, तो आपसे चाहेंगे अभी इस वीडियो में ही फिर इजाज़त, मुलाकातें होती है नेक्स्ट वीलॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।